नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता है न्यूज चैनल। आइए देखते हैं हाथरस की खबर। आपको बता दें कि दिनांक 23/8/2021 को थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के सूर्या नहर में एक बच्ची उम्र करीब 10 वर्ष का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त मेडू कस्बे की बच्ची के रूप में हुई थी, जिसे सोते में से एक रात पहले कोई उठा ले गया था और परिजनों को जानकारी सुबह हुई थी। परिजनों ने से प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 23/8/2021 को ही थाना हाथरस जंक्शन पर उस मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक हाथरस विनीत जायसवाल द्वारा क्षेत्राधिकारी सिकंदराव के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन कर एसओजी टीम और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था, जिनके अथक प्रयास से आज दिनांक 26/8/2021 को थाना हाथरस जंक्शन पुलिस व एसओजी टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना करने वाले अभियुक्त चंद्रपाल कुशवाहा पुत्र गंगाराम कुशवाहा निवासी महमूदपुर थाना सिकंदराव जनपद हाथरस को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया है। अभियुक्त चंद्रपाल ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि दिनांक 22/8/2021 को अपनी बहन के घर सुभाष नगर मंडू आया हुआ था, जिसके द्वारा दिनांक 22/23/8/2021 की राती में शराब के नशे में उक्त घटना कारित की गई थी। अभियुक्त एक साथी किस्म का अपराधी था, पूर्व में कई बार जेल जा चुका है, जिसके विरुद्ध जनपद हाथरस के अलावा जनपद कासगंज में भी डकैती, चोरी, नकबजनी, गैंगस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, NDPS एक्ट आदि संगीन धाराओं में कई अभियोग पंजीकृत है। देखिए, दिनांक 23 अगस्त को थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के ग्राम सूजिया के बगल के नहर में 10 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त करते हुए उसके परिजनों को मौके पर बुलाया गया था, जिनके द्वारा थाना जंक्शन पर दी गई लिखित तहरीर के आधार पर उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग थाना हाथरस जंक्शन पर पंजीकृत किया गया था। बच्ची की शव का पोस्टमार्टम एक पैनल द्वारा डॉक्टरों के कराया गया था, जिनके रिपोर्ट में अभी मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने पाने की वजह से कुछ सैंपल तथा स्लाइड्स प्रिजर्व करके फॉरेंसिक लैब भेजी गई। इस घटना को बहुत गंभीरता से लेते हुए मेरे द्वारा CO सिकंदरा राव के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें सर्विलांस सेल और SOG टीम की भी सहायता ली गई थी। इस टीम के अथक प्रयासों उपरांत इस घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त चंद्रपाल पुत्र गंगाराम कुशवाहा इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध थाना जंक्शन पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस अभियुक्त के ऊपर पूर्व में भी कई मुकदमे हैं, जनपद कासगंज तथा जनपद हाथरस के कई थानों से ये लूट, चोरी, ड्रग्स के मामले में और आबकारी एक्ट के मामले में भी ये जेल जा चुका है। उसके अन्य आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है और इसके विरुद्ध जो हमारी टीम है वो फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई भी प्रचलित है और गुणवत्तापूर्ण विवेचना करके इस पूरे प्रकरण की शीघ्र से शीघ्र चार्जशीट माननीय न्यायालय में प्रेषित की जाएगी और प्रभावी पैरवी करा के इसमें हम इसको सजा सुनिश्चित कराएंगे।